बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बीके बोर्ड चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला पार्ट है 1/2 और दूसरा पार्ट है -3/4। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर हमने रूट्स हमी थी, हमने इक्वेशन मालूम करनी कि जिस इक्वेशन जिनका इक्वेशन क्या होगा, जिनसे ये रूट निकले इनके अंदर हमें आंसर दिए। बस पहले हमें तो इक्वेशन दी जाती क्वाड्रेटिक, उसके हमने रूट्स मालूम कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² + bx + c = 0, तो उसके हमने रूट्स मालूम करने थे। इसके अंदर हमें रूट्स दिए, उन रूट से हमने इक्वेशन मालूम करने। हमारे पास पहला पार्ट है 1 और 1/2, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, α + β। तो एक है 1, दूसरा है 1/2, दोनों का एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, 2+1, तो ये होगा 3/2। दूसरी जो है वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने मालूम करने, वो क्या है अल्फा और बीटा, ये दो जो इसके वैल्यू है वो हमारे पास है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, एक है 1 और दूसरी क्या है 1/2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो हमने मालूम करने, वो है x² - sx + p = 0, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब x² तो आप अपना एज इट इज लिख लोगे, s की जगह पे क्या लोगे, सम हमारे पास क्या है 3/2, -3/2 x अपना, और p की जगह पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 1/2 = 0। अगर पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या हो जाएगी 2x² - 3x + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास बन गया है, जिनकी रूट ये है, इन रूट से हमारे पास ये क्या है, इसकी इक्वेशन आए। दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट है -3 और 4। रूट हमें दिए, अगेन दोबारा हम इसी तरह करेंगे, सम ऑफ रूट्स इसके क्या है α + β, तो अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है +4, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है इनके, वो है α β, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा क्या है हमारे पास -3, बीटा क्या है 4, तो दोनों मल्टीप्लाई करो -12। फॉर्मूला हमारे पास क्या है x² - sx + p = 0, वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अंदर, तो x² s की जगह पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो p की जगह पे क्या है -12 = 0। तो ये हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिनकी रूट हमारे पास क्या थे, ये थे, उनसे उन रूट से हमने इक्वेशन मालूम करनी है।